खाना पचाने से लेकर इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी प्रोसेस और इनसे भी इम्पोर्टेंट काम जो ये मशीन करती है, तनाव दूर करना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस मशीन के बारे में। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वैज्ञानिक शोध के अनुसार हमारे पेट में एक दूसरा दिमाग होता है जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसी से हमें गट फीलिंग आती है। इस गट फीलिंग का सीधा संबंध इस मशीन से है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपने भी महसूस किया होगा जब कुछ होने वाला होता है, पेट में आप कुछ अलग ही फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पेट में न्यूरॉन सिस्टम होता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इस न्यूरॉन सिस्टम को दूसरा दिमाग भी कहते हैं। ये छोटा दिमाग हमारे सिर वाले दिमाग के साथ मिलकर दिमागी हालत पर प्रभाव डालता है। छोटे दिमाग और बड़े दिमाग के बीच में यह कार्य इसी मशीन के द्वारा होता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व होती है। यह पेट से होते हुए चेस्ट और फिर दिमाग तक जाती है। इसीलिए जब आप तनाव में होते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कार्टिसोल और एड्रिनल हार्मोन बढ़ जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बार बार तनाव लेता है, बार बार ये हार्मोन रिलीज होंगे जिससे एंजाइटी, डायबिटीज, मूड स्विंग, इन्फ्लेमेशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वेगस नर्व का फंक्शन बिगड़ने पर शरीर की जो नेचुरल हीलिंग क्षमता होती है वह कमजोर हो जाती है, जिसके कारण किसी भी बीमारी से ठीक होने में अधिक समय लगता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हम आज वो उपाय देखेंगे जिनसे वेगस नर्व को मेंटेन कर सकते हैं, मींस इस मशीन को हम एक्टिव कर सकते हैं जिससे छोटे दिमाग और बड़े दिमाग के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहे। उपायों में सबसे पहले हमें लंबी गहरी सांस लेना सीखना है। नॉर्मली हम एक मिनट में 1 से 12 से 13 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आपको एक मिनट में 6 बार सांस को लेना है। इतना लंबा अपनी सांस को लेना है, छोड़ना है कि वो एक मिनट में आप उसको 6 बार ले पाएं। और सांस इतनी गहरी और शांत होनी चाहिए कि बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। हमारे ग्रंथों में तो इसके बारे में ये कहा गया है कि अगर आपके नाक के आगे आप कोटन रखें, आपकी सांस इतनी धीमी हो कि वह कोटन भी ना हिले। आंखें बंद करके आप यह अभ्यास करें। इससे आपको लगेगा कि आप पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लंबी गहरी सांस लेने से हार्ट बीट रिलैक्स होती है, बीपी भी नॉर्मल होता है, मसल्स भी रिलैक्स होती हैं। फिर वेगस नर्व ब्रेन को ये सिग्नल भेजती है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप तनाव ना लें। इसके बाद उद्गीत प्राणायाम, जिसको ओम चैंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम ओम चैंटिंग करते समय अपने पेट से स्टार्ट करते हुए, हार्ट से होते हुए, गले से होते हुए हमारे ब्रेन तक ओम चैंटिंग की धमनी गूंजती है। इन्हीं ऑर्गन से वेगस नर्व का भी कनेक्शन है, इसीलिए ओम चैंटिंग करने से इस नर्व में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, इसकी फंक्शनिंग अच्छी होती है। आसनों में जैसे आप और सब आसन करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं और आसन करते हैं, उनमें सर्वांग आसन करने से वेगस नर्व की फंक्शनिंग बहुत जल्दी अच्छी होती है, क्योंकि सर्वांग आसन में हमारे ब्लड का फ्लो ऑपोजिट हो जाता है। पैर से शरीर के सभी अंगों से होते हुए ब्लड का फ्लो सिर की तरफ बढ़ता है, जिससे सभी ऑर्गन्स अच्छे होते हैं और वेगस नर्व में भी ब्लड का फ्लो बढ़ता है और उसकी फंक्शनिंग अच्छी होती है। पैरों की मसाज करें, क्योंकि पैरों की मसाज करने से भी वेगस नर्व पर पॉजिटिव असर होता है। हंसी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको हंसी ना आए फिर भी खुलकर हंसे, क्योंकि इससे अच्छी कोई दवा नहीं हो सकती है। और नींद अच्छी आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वेगस नर्व हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है। इसको रेस्ट और डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और ये सिस्टम हमारी मेंटल हेल्थ को हेल्दी बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वेगस नर्व जितनी अच्छी होगी आपका मूड भी उतना ही अच्छा होगा, स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होगी। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।